अभी तक जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं दैट इज रिफ्लेक्शन और हमने पढ़ा है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में हमने पढ़ा कि जब एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है और जो रे ऑफ लाइट है वो अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड हो जाती है, और द बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट को ही हमने नाम दिया था दैट वॉज रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन से रिलेटेड एक लॉ हमने पढ़ा है जिसको हम स्नेलस लॉ बोलते हैं। तो हमने कहा कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर ए पेयर ऑफ मीडियम ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट, और वो जो कॉन्स्टेंट है तो दैट इज द रिफ्रैक्ट इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रेस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। तो इसी आज जो हमारा टॉपिक है, आज हम एक फिनामिना पढ़ने वाले हैं और वो फिनामिना जो है दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक्चुअल में ये जो यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रहा है ये रिफ्रैक्शन में रिफ्लेक्शन है, यानी रिफ्रैक्शन के टॉपिक में हम क्या पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन में हमने एक रूल पढ़ा है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्रैक्शन में हमको क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन। और यहाँ पे जो टॉपिक है दैट इज टोटल इंटरनल, वाई टोटल, वाई इंटरनल एंड वाई रिफ्लेक्शन, समझ में आ रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है या यहां से एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में भी पूछा जाता है, समझ में आ रहा है। देखो याद रखना है कि ये रिफ्लेक्शन का फिनामिना है, मगर हम इसको पढ़ते कहां से, कहां पे है, रिफ्रैक्शन में हम इसको पढ़ते हैं, समझ में आ रहा है। देखो हम कंसिडर करते हैं कि हमने एक इंटरफेस लिया है, मान लो ये हमने एक इंटरफेस लिया है, सपोज दिस इज एन इंटरफेस। ये जो इंटरफेस है ये इंटरफेस एक मीडियम को दूसरे मीडियम से अलग करता है। मान लो कि ये वाला जो मीडियम है ना, यहाँ पे ये वाला जो मीडियम है इस मीडियम को मैं नाम दूंगा दिस इज एम वन, और ये वाला जो मीडियम है इस मीडियम को मैं नाम दूंगा दिस इज एम टू। अब जो ये एम टू का मीडियम है, ये एम टू का मीडियम हमने लिया है डेंसर मीडियम, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये मैंने डेंसर मीडियम लिया है। तो अगर ये डेंसर मीडियम है तो ये कौन सा मीडियम है, दिस इज रेयर मीडियम, समझ में आ रहा है। तो एम टू इज द डेंसर मीडियम, मैं इसको नाम दूंगा दिस इज डेंसर मीडियम, और एम वन जो है ये कौन सा मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। इस डेंसर मीडियम में कि हम इमेजिन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने यहां पे एक सोर्स ऑफ लाइट लिया है, कोई भी सोर्स हमने लिया है, यहां पे इमेजिन कर दो कि मैंने एक टॉर्च को लिया है, तो ये टॉर्च जो है ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, सोर्स ऑफ लाइट बन जाएगा, और सोर्स ऑफ लाइट को मैंने किस मीडियम में रखा है, डेंसर मीडियम में रखा है। फॉर एग्जाम्पल इस वाले पॉइंट पे मैं देखता हूं, मैंने यहां से एक नॉर्मल को ड्रा कर दिया है, ये मान लो ये मैंने नॉर्मल ड्रा कर दिया। अब जो ये पॉइंट, ये जो डेंसर मीडियम है, इस डेंसर मीडियम में मैंने यहां पे एक सोर्स लिया है और उस सोर्स से एक रे ऑफ लाइट ऐसी आती है, मान लो ये एक रे ऑफ लाइट आती है, इस रे ऑफ लाइट को मैं नाम देता हूं फॉर एग्जांपल दिस इज रे वन, इसको मैं नाम देता हूं ये रे वन है। या मैं ऐसे कहूंगा जब मैंने वन पोजिशन पे अपना सोर्स लिया है, रखा है, तो वहां से एक रे ऑफ लाइट ऐसे आती है। प्रैक्टिकली अगर आप इसको स्कूल में करेंगे तो आप यहां से एक पिन लेंगे, ये दूसरी पिन है, तो दोनों पिन की पोजीशन को मिलाएंगे आप तो वो आपके लिए क्या बन जाएगी, दैट विल बिकम द रे ऑफ लाइट। अब ये डेंसर मीडियम है तो ये कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम। हमने रूल पढ़ा है कि जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से आ जाएगी रेयर मीडियम में तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये रे ऑफ लाइट सीधे जाने के बजाय, यहां से ऐसे जाने के बजाय ये अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड हो जाएगी, तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे गई। अगर ये वाला जो एंगल है, इस एंगल को मैं नाम देता हूं दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अगर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है तो ये कौन सा एंगल है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब रे ऑफ लाइट बेंड हो जाती है नॉर्मल से, तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 20 डिग्री है, क्या ये 20 रह जाएगा या 20 से बढ़ जाएगा, आंसर ये 20 से बढ़ जाएगा, क्योंकि रे ऑफ लाइट बेंड होती है कहां से, नॉर्मल से, वो दूर भागती है, क्योंकि रे ऑफ लाइट आती कहां से है, डेंसर से, कहां जा रही है, रेयर मीडियम में, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये रे ऑफ लाइट वन है, या दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट, तो इसको मैं नाम दूंगा दिस इज वन रे ऑफ लाइट, समझ में आ रहा है। अब देखो, अब मैंने अपने सोर्स को यहां से उठा दिया, मैंने इधर लिया है, तो फॉर एग्जाम्पल मान लो उसी सोर्स से अब एक और रे ऑफ लाइट यहां से ऐसी आती है, या
मैंने सोर्स की पोजीशन को चेंज कर दिया है, मैंने अब उसको टू पे लिया है, तो मैंने एक काम किया है, मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या कर दिया, मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दिया है। अगर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया है तो बोलो जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रियर में जाएगी तो रे ऑफ लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये वाला जो एंगल है ये वाला एंगल भी दूसरे रे ऑफ लाइट के लिए ऐसे हो जाएगा, तो ये दूसरी रे ऑफ लाइट। अगर ये 30 डिग्री है तो ये 30 से ज्यादा होगा, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये 40 है तो ये दूसरी रे ऑफ लाइट के लिए क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ में आ रहा है? अब तीसरी रे ऑफ लाइट जो है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने तीसरी रे ऑफ लाइट को ऐसे इस पोजिशन से ड्रा कर दिया, अब यहां पे एंगल मैंने और बढ़ा दिया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैंने और बढ़ा दिया है, तो रे ऑफ लाइट डेंसर से रियरर जाएगी तो रे ऑफ लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये रे ऑफ लाइट यहां से ऐसे जाएगी, ये तीसरी रे ऑफ लाइट। इसी तरह मैंने चौथी रे ऑफ लाइट को लिया है, पांचवी रे ऑफ लाइट को लिया है, छठी रे ऑफ लाइट को लिया है। अगर मैं आपसे कहूं बता पहली कौन सी रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल बन जाएगी, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट या रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट? समझ में आ रहा है ना? देखो एंगल मैंने पहला बनाया 220, ये हो गया 30, ये मैंने 30 बना दिया ये हो गया 40, ये मैंने 40 बना दिया ये यहां से आ गया 50, जब मैं यहां से 50 कर दूंगा वो 60 हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट पहले 90 नॉर्मल के साथ बनाई गया इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, तो आंसर है रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट पहले नॉर्मल के साथ एंगल कितना बनाएगी, 90। समझ में आ रहा है? अब देखो मान लो कि एक रे ऑफ लाइट जो है ना वो मैंने यहां से ऐसे ली है, तो जब मैंने यहां से रे ऑफ लाइट को लिया है इसका एक एंगल यहां पे बन गया है 30, ये 20, 40, 50, 70, तो फॉर एग्जांपल मान लो ये एक एंगल है, इस एंगल पे जब मैंने रे ऑफ लाइट को भेज दिया है इस पॉइंट की तरफ तो ये डेंसर से आ रही है, जब ये रियर में आ जाएगी तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, और ये रे ऑफ लाइट जो है ना ये बेंड अब यहां से ऐसे होती है, तो अगर ये यहां से ऐसे होती है बता यहां पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 बनेगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो एंगल है जिस एंगल पे रे ऑफ लाइट अब रियर मीडियम के बजाय इंटरफेस से जाती है कितना एंगल बनाती है, 90 बनाती है। अब सोचो, खुद ही सोचो आप कि अगर मैंने ये एंगल 70 लिया है, अगर मैं 70 के बाद 71 लूंगा तो रे ऑफ लाइट रियर से मैं जाएगी या रे ऑफ लाइट इंटरफेस से जाएगी या रे ऑफ लाइट अब डेंसर में जाएगी, तो आंसर है रे ऑफ लाइट कहां जाएगी, डेंसर में जाएगी। तो अगर मैंने एंगल अब और एक डिग्री बढ़ा दिया है फॉर एग्जांपल ऐसे, तो रे ऑफ लाइट अब रियर मीडियम में जाने के बजाय कहां जाएगी, डेंसर मीडियम में, क्योंकि 70 पर रे ऑफ लाइट ने एंगल कितना बनाया है, 90 बनाया है। तो जितना मैं ये एंगल बढ़ाऊंगा इसका एंगल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और एंगल बढ़ते बढ़ते रे ऑफ लाइट अब रियर मीडियम के बजाय किस मीडियम में ही जाएगी, डेंसर मीडियम में ही जाएगी। समझ में आ रहा है? तो जब रे ऑफ लाइट आई कहां से, डेंसर मीडियम से, जा रही है कहां पे, डेंसर मीडियम में, तो जब एक मीडियम से आएगी स्ट्राइक करने के बाद उसी मीडियम में वापस चली जाएगी, बताइए कौन सा फिनोमेना है, दिस इज रिफ्लेक्शन। तो अगर ये रिफ्लेक्शन का फिनोमेना है तो हम इस रिफ्लेक्शन को नाम देते हैं ना, बताइए एक्सटर्नली हो रहा है या इंटरनली हो रहा है, इंटरनली हो रहा है, तो इस रिफ्लेक्शन को हम नाम देते हैं क्या, इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो व्हेन ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स या व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम ए डेंसर मीडियम एंड इट गोज बैक इनटू द डेंसर मीडियम, तो हम उसको फिनोमेना को हम नाम क्या देते हैं, उसको हम नाम देते हैं रिफ्लेक्शन। अब चूंकि ये इंटरनली हो रहा है तो इस वाले को हम नाम क्या देते हैं, दिस इज इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ में आ रहा है? अब देखो टोटल क्यों इसको कहते हैं, टोटल क्यों कहते हैं, तो वो भी हम देख लेंगे। अब यहां पे मुझे बताओ कि ये जो 70 का एंगल है, 70 के एंगल पे जो रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट है वो कहां से चली गई, इंटरफेस से, नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाती है, 90 बनाती है। तो इसका मतलब है ना कि 70 वो वाला एंगल है जिसके बाद स्टार्ट क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन, या जिसके बाद रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो जिसके बाद रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, अब जो ये वाला एंगल है द मिनिमम एंगल, तो इस वाले एंगल को हम नाम देते हैं, दिस इज क्रिटिकल एंगल, दिस इज क्रिटिकल एंगल। तो हम ऐसा कहेंगे कि जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से आती है और एक पर्टिकुलर एंगल पे, यानी कि जब रिफ्रैक्टेड रे इंटरफेस के साथ या नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाती है, 90 बनाती है, तो उस वाले एंगल को हम नाम देते हैं दिस इज क्रिटिकल एंगल। फिर एक बार समझना, जब रे ऑफ लाइट कहां से आती है, डेंसर मीडियम से, जाना इसको कहां है, रियर मीडियम में, तो एक पर्टिकुलर एंगल वो है
जिस पे रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाती है, 90 बनाती है। तो ये जो मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, इस मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम नाम देते हैं दिस इज क्रिटिकल एंगल। अब 90 जब रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ एंगल कितना बनाया है 90, तो अगर ये इंसिडेंस का एंगल फॉर एग्जांपल 70 है, तो 70 के बाद अगर मैंने 71 बना दिया, बोलो रे ऑफ लाइट अब रियर मीडियम में जाएगी या डेंसर मीडियम में आ जाएगी, डेंसर मीडियम में आ जाएगी। जब रे ऑफ लाइट वापस डेंसर मीडियम में आ जाएगी तो फिनोमेना को हम नाम क्या देते हैं, रिफ्लेक्शन। समझ में आ रहा है? तो रिफ्रैक्शन से हम क्या करा रहे हैं, रिफ्लेक्शन करा रहे हैं। तो इसी फिनोमेना को हम नाम देते हैं दिस इज इंटरनल रिफ्लेक्शन, दिस इज इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए हम कुछ कंडीशंस बनाते हैं। पहली कंडीशन जो है ना वो ये है कि इंटरनल रिफ्लेक्शन तब होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन तब होता है जब आपका सोर्स या जब आपकी लाइट या जहां जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आपको रियर मीडियम में रखना है या डेंसर मीडियम में रखना है। तो आंसर है वो हमको किस में रखना है, डेंसर मीडियम में रखना है। तो ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट या जो रेज ऑफ लाइट है, वो रेज ऑफ लाइट आनी कहां से चाहिए, डेंसर मीडियम से। समझ में आ रहा है ना? तो ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड इन द डेंसर मीडियम। एंड नंबर सेकंड जो कंडीशन है, जो मेन कंडीशन है वो ये है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल कौन सा एंगल है, तो ये वो मिनिमम एंगल है जिसपे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल कितना बनाती है, 90 बनाती है। समझ में आ रहा है? तो इसी फिनोमेना को हम नाम देते हैं दिस इज इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखो टोटल क्यों है, टोटल हम इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि जो एनर्जी है, एनर्जी के हिसाब से हम इसको नाम देते हैं टोटल। अगर आपको याद होगा हमने जब रिफ्लेक्शन स्टार्ट किया था तो हमने कहा था कि जो रे ऑफ लाइट है उसके फेट में तीन चीजें लिखी है, आइदर आर आर ए आर टी, या आर हो जाएगा आर इज रिफ्लेक्शन, ए एब्जॉर्बशन, टी इज ट्रांसमिशन। अब जो रे ऑफ लाइट है जब हम देखते हैं कि अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल रिफ्लेक्शन में जब हम देखते हैं कि ये हम एक मिरर लेते हैं, मिरर की ये वाली जो सरफेस है इसको हमने पॉलिश कर दिया है, यहां से ये वाली सरफेस पॉलिश्ड है, यहां से जब रे ऑफ लाइट आती है तो वो इसको स्ट्राइक करती है, जब वो इसको स्ट्राइक करती है ना वो इसको मारती है। अब ऐसे समझो कि ये रे ऑफ लाइट यहां से आ गई, इसने इसको स्ट्राइक कर दिया। अगर ये रे ऑफ लाइट यहां से एनर्जी लेके आती है फॉर एग्जाम्पल 100, तो जब ये इसको स्ट्राइक करेगी क्या ये 100 के साथ वापस जाएगी या इसकी कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी, कुछ एनर्जी इसकी लॉस हो जाएगी क्योंकि ये इसको स्ट्राइक करती है। अब अगर ये लॉस हो गई है तो यहां से 100 आ गई, 20 एब्जॉर्बेशन में हो गया तो 80 वापस ले गई। तो अगर 80 वापस ले गई है तो बता एनर्जी जो इसके पास है, रिफ्लेक्टेड रे के पास जो एनर्जी है क्या वो पूरी है या एनर्जी कम हो गई, एनर्जी कम हो गई है। तो यहां पे हम रिफ्लेक्शन को नहीं कहेंगे कि इसके पास 100% एनर्जी या टोटल एनर्जी इसके पास वापस बची है। अब यहां पे देखो, यहां पे हमने एक मीडियम वो लिया है, ये वाला मीडियम रेयर मीडियम, ये वाला मीडियम कैसा है, डेंसर मीडियम। अब जो दोनों मीडियम है ना, दोनों मीडियम में रे ऑफ लाइट जो है ना वो स्ट्राइक करने के बाद, या रे ऑफ लाइट जो है जब वो डेंसर से जाती है रियर में, तो रियर उसको क्या करता है, रियर उसको अलाउ करता है। जब ये इसको अलाउ करता है तो एब्जॉर्प्शन का चांस नहीं है, जब एब्जॉर्प्शन का चांस नहीं है तो यहां से अगर एनर्जी 100% आती है तो यहां पे भी 100 के जाने के चांसेस है। समझ में आ रहा है ना? यानी बीच में हमने कोई ऐसी चीज नहीं लगाई है, जिस तरह मिरर हमने लगाया था, बीच में ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिसको रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करे और स्ट्राइक करने के बाद क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए या एनर्जी का लॉस हो जाए। बल्कि हमने यहां पे वो मीडियम लिए हैं जो ट्रांसपेरेंट है, जो एनर्जी के जो रे ऑफ लाइट को अलाउ करते हैं ट्रांसमिट होने के लिए। तो जब ये वाला मीडियम इस रे ऑफ लाइट को अलाउ करता है तो एब्जॉर्प्शन का चांस कितना है, जीरो, क्योंकि एब्जॉर्प्शन में ही एनर्जी क्या होती थी, लॉस होती थी। अब जब हमने एंगल बढ़ा दिया है, एंगल बढ़ा दिया है, तो ये रे ऑफ लाइट वापस उसी मीडियम में क्या करती है, स्लिप करती है। तो जब ये उसी मीडियम में वापस आ जाती है तो अगर यहां से 100 एनर्जी थी तो ये उसी मीडियम में विदाउट एब्जॉर्प्शन ये उसी मीडियम में वापस आ जाती है। तो बोलो एनर्जी क्या लॉस होती है या पूरी एनर्जी लेके रे ऑफ लाइट वापस आ, तो पूरी एनर्जी लेके रे ऑफ लाइट वापस आ जाए। तो जब ये पूरी लेके आती है ना तो उस वाले उसको हम नाम क्या देंगे, टोटल। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए हमने इस फिनोमेना को नाम क्या दिया है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ में आ रहा है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें रे ऑफ लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से आती है,
डेंसर मीडियम से आने के बाद एक पर्टिकुलर एंगल पे, यानी जिसको हमने नाम दिया है क्रिटिकल एंगल, तो रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम में जाने के बजाय किस मीडियम में वापस आती है, डेंसर मीडियम में ही आती है। तो दिस फिनोमेना इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर आपसे अब कोई पूछे व्हाई टोटल, तो आपका आंसर होना चाहिए बिकॉज देयर इज द मिनिमम लॉस ऑफ द एनर्जी। या हम ऐसे कहेंगे कि जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट है अगर उसके पास 80% एनर्जी है, तो जब वो वापस आती है उसी मीडियम में तो उसके पास एनर्जी कितनी होती है, 80%। देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, क्योंकि जो हमने मीडियम लगा दी है ना वो कैसे है, ट्रांसपेरेंट। तो अब आपको समझना है कि अगर आप कहीं पे भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से कोई भी चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आपको समझना है कि जो मीडियम हम लगा रहे हैं वो दोनों मीडियम ऐसे होने चाहिए कि जो रे ऑफ लाइट को क्या कर दे, ट्रांसमिट कर दे, जो रे ऑफ लाइट को क्या कर दे, ट्रांसमिट कर दे। समझ में आ रहा है ना? या जो मीडियम हमारे पास होने चाहिए, दैट मीडियम शुड बी ट्रांसपेरेंट मीडियम। समझ में आ रहा है? अब कंडीशन क्या है, कंडीशन है इसकी दो कंडीशन है, या कहीं पे आपको तीन कंडीशन लिखी जाती है। पहली कंडीशन ये है, पहली कंडीशन हम ऐसे बनाएंगे कि दोनों मीडियम जो है ना वो कैसे होने चाहिए, वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, यानी जो रे ऑफ लाइट को अलाउ करेंगे। नंबर सेकंड कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि द मीडियम, द ऑब्जेक्ट शुड बी, या द रेज ऑफ लाइट शुड कम फ्रॉम द डेंसर मीडियम। तो अगर वो डेंसर मीडियम से आ रही है तो हमारा ऑब्जेक्ट भी कहां पे होना चाहिए, डेंसर मीडियम में। एंड नंबर थर्ड कंडीशन क्या है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जो थर्ड कंडीशन है या मेन कंडीशन जो इसके लिए है, वो ये है कि जो रे ऑफ लाइट है, रे ऑफ लाइट उस एंगल पे आनी चाहिए, दैट शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल कौन सा एंगल है, ये वो एंगल है जिस पे रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल कितना बनाती है, 90 बनाती है। समझ में आ रहा है? तो इस फिनोमेना को हम नाम क्या देते हैं, दिस इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दिस इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब हम यहां से एक कंडीशन निकालते हैं, वो फाइंड द रिलेशन बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द क्रिटिकल एंगल। अब जो क्रिटिकल एंगल है ना, क्रिटिकल एंगल को हम यूजुअली डिनोट करते हैं सी से, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल को हम डिनोट करते हैं किसे, सी से, या हम लिखेंगे कैपिटल सी से हम इसको डिनोट करते हैं। अब रिलेशन हमको निकालनी है, वी हैव टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल, एंड क्रिटिकल एंगल। कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो कभी क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सप्लेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द क्रिटिकल एंगल। समझ में आ रहा है? देखो, अगर मैंने ये वाला मीडियम लिया है, ये वाला मीडियम लिया है, तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो दिस इज म्यू वन। ये वाला जो मीडियम है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो दिस इज म्यू टू। समझ में आ रहा है? या हम ऐसे कहेंगे, चूंकि मैंने ये वाला मीडियम लिया है, इस मीडियम को मैंने नाम दिया है M1, मैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लूंगा म्यू वन, और ये वाला मीडियम मैंने लिया है म्यू टू, M2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं मानता हूं दिस इज M2। अब जो ये वाला मीडियम है, अगर ये डेंसर है तो ये कौन सा है, रेयर मीडियम, यूजुअली हम रेयर मीडियम को लेते हैं, दैट इज एयर। समझ में आ रहा है? तो आप ऐसे मान लो कि ये वाटर हमने लिया है, और यहां से जो ये वाला मीडियम है ये कौन सा है, ये एयर है। समझ में आ रहा है? तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने क्या लिया है, म्यू वन, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने क्या लिया है, म्यू टू लिया है। समझ में आ रहा है? अब मोड़ता कौन सा मीडियम है, रे ऑफ लाइट को बेंड कौन सा मीडियम करता है, तो रे ऑफ लाइट को बेंड करता है ये वाला मीडियम। अब इस मीडियम के पास कितनी ताकत है मोड़ने की, तो उस ताकत को हमने नाम दिया है ना, उसको हमने नाम दिया है दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे कि व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हमने कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये ताकत है एक मीडियम के पास, द एबिलिटी ऑफ ए मीडियम टू बेंड द रेज ऑफ द लाइट। अगर वो ज्यादा बेंड करेंगे तो हम कहते हैं कि उसके पास ताकत ज्यादा है, तो उसको हमने नाम दिया है दैट इज डेंसर मीडियम। अब अगर वो कम करता है तो उसको हमने नाम क्या दिया है, रेयर मीडियम। समझ में आ रहा है? अब देखो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन सेकंड मुझे बताओ क्या है, कि द एंगल शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, द एंगल शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, या ये जो एंगल यहां पे होना चाहिए, ये एंगल कितना बनना चाहिए, 90 बनना चाहिए। जब ये एंगल 90 बनेगा ना, तो 90 बनने के बाद अगर मैं थोड़ा सा भी एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाऊं, समझ में आ रहा है ना, देखो अगर मैं थोड़ा सा भी, ये मान लो ये एंगल मैंने लिया है, सपोज ये आई है, आई है, आई पे रे ऑफ लाइट जो है ना, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा आई है, इमेजिन कर दो जब ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है,
तो रे ऑफ लाइट कहां से, ये रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट एंगल कितना बनाती है, 90 बनाती है। अब अगर मैंने इस आई को एक डिग्री, समझ में आ रहा है ना, एक डिग्री भी अगर मैंने इस एंगल को बढ़ा दिया है तो रे ऑफ लाइट अब रेयर में जाएगी या रे ऑफ लाइट डेंसर में जाएगी, डेंसर में जाएगी। तो मिनिमम एंगल कौन सा है जिस पर रे ऑफ लाइट स्टार्ट करेगी, क्या फिनोमेना दिखाना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दैट इज जब एंगल आई होगा तो यहां पे एंगल कितना बनेगा, 90 बनेगा। समझ में आ रहा है ना, फिर समझना। तो ये वाला जो एंगल है, अगर मैंने इसको लिया है फॉर एग्जाम्पल, ये एंगल मैंने बनाया है 50, तो 50 पे रे ऑफ लाइट जो है, रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट जो है वो नॉर्मल के साथ एंगल कितना बनाती है, 90। अगर मैं 50 के बाद 50.1 कर दूंगा तो रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम में जाएगी या रे ऑफ लाइट अब रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी डेंसर मीडियम में। तो अब अगर मैं आपसे कहूं, बता मिनिमम एंगल क्या है जिससे स्टार्ट होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो आंसर है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, 50 होगा। 50 के बाद जब आप ऊपर जाएंगे, बढ़ते बढ़ते जाओ आप, अब आपकी मर्जी है कितना आप बढ़ाएंगे, मगर मिनिमम कौन सा है, 50 है, तो उस वक्त एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, 90 है। इसलिए हमको कंडीशन जो लेनी है ना, वो हमको लेनी है मिनिमम के लिए। समझ में आ रहा है? तो हम रिलेशनशिप बिटवीन द रिफ्रैक्ट इंडेक्स एंड द क्रिटिकल एंगल देखेंगे। अब मुझे बताओ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में जो मिनिमम एंगल है, हमने उसको नाम दिया है दैट इज साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, पता किसके बराबर होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अब सेकंड मीडियम जो है ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या मैंने लिया है, म्यू वन, और जो पहला मीडियम है उसका मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिया है, म्यू टू। ये समझना, समझ में आ रहा है ना? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, सेकंड मीडियम का मतलब ये नहीं है कि जो मैंने यहां पे म्यू टू लिया है या जो मैंने एम टू इसको मैंने नाम दिया है, बल्कि ये वो मीडियम है जिस मीडियम के पास रे ऑफ लाइट जब वहां जाती है तो वो उसको क्या करता है, मोड़ता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? तो रे ऑफ लाइट यहां से आती है, इसका मतलब है कि ये रे ऑफ लाइट के लिए पहला मीडियम बन जाएगा। अब मैंने इसको नाम दिया है एम टू, तो जब ये इधर जाएगी तो मीडियम बदल गया है ना, ये रे ऑफ लाइट के लिए क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम द रे ऑफ लाइट के लिए ये मीडियम सेकंड बन जाएगा। अब उसी सेकंड मीडियम को मैंने अब नाम दिया है एम वन, उसका रिफ्रैक्ट इंडेक्स क्या है, म्यू वन। समझ में आ रहा है ना, ये टर्मिनोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, मगर आपको समझना ये है कि रे ऑफ लाइट आ रही है कहां से, जहां से वो आएगी वो रे ऑफ लाइट के लिए क्या बन जाएगा, पहला मीडियम। जब वो रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट हो जाएगी तो रिफ्रैक्शन जो मीडियम करेगा उसको हम नाम क्या देते हैं, दैट इज सेकंड मीडियम, वो रे ऑफ लाइट के लिए सेकंड मीडियम बन जाएगा। समझ में आ रहा है? अब सिनेलस लॉ को हमने यूज किया, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम दैट इज म्यू वन डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, म्यू टू। समझ में आ रहा है? तो दैट विल बी इक्वल टू, अब मुझे बताओ रिफ्लेक्शन, ए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहां से स्टार्ट होती है, व्हेन द एंगल साइन ऑफ सी डिवाइडेड बाय आ जाएगा साइन ऑफ, बताओ। अब जब एंगल सी आ जाएगा, क्रिटिकल एंगल आ जाएगा, तो रिफ्लेक्ट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना बन जाएगा, 90 बन जाएगा। तो हम यहां से लिखेंगे साइन ऑफ आर के बजाय क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो दैट विल इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। समझ में आ रहा है, टर्मिनोलॉजी है। तो दैट विल बी इक्वल टू, अब मुझे बता साइन ऑफ 90 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो मुझे बता साइन ऑफ सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू सेकंड, ये मैं लिख रहा हूं। समझ में आ रहा है ना? अदरवाइज रे ऑफ लाइट के लिए ये पहला मीडियम है, ये क्या है, सेकंड मीडियम है। समझ में आ रहा है ना, कंफ्यूज नहीं होना। तो रे ऑफ लाइट के लिए ये क्या है, पहला मीडियम, ये रे ऑफ लाइट के लिए क्या है, सेकंड मीडियम। तो सेकंड को अब मैंने नाम क्या दिया है, म्यू वन। जो रे ऑफ लाइट के लिए सेकंड मीडियम, उसको मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिया है, म्यू वन। जो पहला है उसको मैंने नाम क्या दिया है, दैट इज म्यू टू। समझ में आ रहा है? तो हम ऐसे भी लिखेंगे, तो साइन ऑफ सी का वैल्यू इज इक्वल, अब मुझे यहां से बता म्यू वन क्या हम लेते हैं, ईयर लेते हैं। समझ में आ रहा है? अब म्यू टू जो है ना, ये कौन सा मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाटर है तो ये आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ईयर विद रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो ये बन जाएगा 1/ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। समझ में आ रहा है? अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बना दूं तो बता ये कैसे मुझे लिखना है, तो मैं इसको लिखूंगा या मैं इस वाले इसको मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा। फिर एक बार समझना, यहां से समझना, साइन ऑफ सी का वैल्यू, साइन सी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 90, साइन 90 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, इज इक्वल टू
तो मैं लिखूंगा यहां से साइन ऑफ सी इज इक्वल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट। अब फर्स्ट ये वाला जो मीडियम है ये कौन सा है, ईयर है, और ये वाला मीडियम मान लो ये कौन सा है, ये वाटर है। तो ईयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर होता है, वन के बराबर। तो मैं लिखूंगा ना यहां से वन डिवाइडेड बाय आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इस वाले मीडियम का, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने लिया है म्यू टू। अब ये कौन सा है, वाटर, तो ये बन जाएगा ना वन डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब मुझे वन बाई निकालना है, या मुझे, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन ऑफ सी इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई म्यू टू। अब म्यू टू जो है, म्यू टू कौन सा है मेरा, वाटर है मेरा, मीन्स ये डेंसर मीडियम है। तो अगर यहां से हम रिलेशन देखेंगे तो साइन ऑफ सी जो है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इस वाले मीडियम के साथ रिलेशन डायरेक्ट है या इनवर्स है, इनवर्स रिलेशन। हम यहां से ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू टू होगा बराबर वन डिवाइडेड बाई साइन ऑफ सी। अब ये क्या बताता है मुझे कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो बोलो क्रिटिकल एंगल का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। या हम ऐसे कहेंगे अगर क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। ये समझना, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है यहां से कि अगर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम, अगर इसका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा होगा, तो क्रिटिकल एंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल का वैल्यू कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो क्रिटिकल एंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना, तो ये मैथमेटिकल रिलेशन को आपको समझना है। अब देखो ऐसे मान लो कि ये मैंने एक मीडियम लिया है, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक मीडियम लिया है, इस मीडियम में ये हमने नॉर्मल ड्रा कर दिया है, रे ऑफ लाइट यहां से, एक रे ऑफ लाइट यहां से ऐसे आती है। मान लो कि ये वाला जो एंगल उसके लिए है ना, ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल कितना है 30 डिग्री, तो ये रे ऑफ लाइट अब यहां से ऐसे चली गई, ये रे ऑफ लाइट यहां से ऐसे चली गई। ये एक हमने लिया है, एक मीडियम हमने लिया है। अब दूसरा मीडियम भी मैंने यहां पे लिया है, तो उसमें जब रे ऑफ लाइट यहां से आती है तो ये वाला एंगल जो है ये 20 डिग्री है, तो रे ऑफ लाइट यहां से ऐसे गई है, ये रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट यहां से गई, यहां पर भी रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट ऐसे गई। ये रे ऑफ लाइट इस वक्त एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 30 है, तो रे ऑफ लाइट जो है वो यहां से एंगल 90 बना, इसका मतलब है ये कौन सा एंगल है, क्रिटिकल एंगल है, तो ये वाला एंगल भी कौन सा है, क्रिटिकल एंगल है। अब जब यहां पे क्रिटिकल एंगल कम है, ये क्रिटिकल एंगल क्या है, कम है, क्योंकि ये 30 है, ये कितना है 20 है, तो अगर ये कम है तो जब क्रिटिकल एंगल कम होगा, जब क्रिटिकल एंगल कम होगा बोलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा होगा। अब मुझे बताओ ये वाला जो मीडियम M1 है और ये वाला जो मीडियम M2 है, M1 और M2 में से किसके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, समझ में आ रहा है। तो आंसर है M1 जो है, M1 के पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, कम इन कंपैरिजन टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम सेकंड, क्योंकि इसने 20, इसका जो एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल है वो 20 है, अगर 20 है मीन्स ये साइन ऑफ 20 आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो अगर ये क्रिटिकल एंगल कम हो गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज्यादा है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका मुझे लेना है, वन का, वन क्या है, ये ईयर है, तो ये कौन सा है, वाटर है, तो ईयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, वन है, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ मुझे रिलेशन निकालनी है। तो जब ये वाला एंगल जो है, जब ये वाला एंगल कम होगा तो इसका मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज्यादा है। अब यहां पे एंगल 20 है, यहां पे 30 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा होगा, तो आंसर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका ज्यादा होगा जिसका क्रिटिकल एंगल क्या होगा, कम होगा। अब अगर मैंने यहां से एक और मीडियम लिया है, फॉर एग्जांपल यहां पे क्रिटिकल एंगल ऐसे आ रहा है, तो ये क्रिटिकल एंगल है, सपोज ये 50 डिग्री है, तो ये जो रे ऑफ लाइट है ये ऐसे जा रही है। अब तीनों में से इसका एंगल बड़ा है, अगर इसका एंगल बड़ा है तो, अगर क्रिटिकल एंगल बड़ा है तो बोलो इस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब इसी चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं एक और तरीके से, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में हमने देखा था कि अगर रे ऑफ लाइट एक मीडियम से आती है वो दूसरे में चली गई तो वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी, अब अगर दूसरे मीडियम में ही हमने वहीं से रे ऑफ लाइट को डाल दिया है तो वो रे ऑफ लाइट उसी पाथ से जाएगी जिस पाथ से हमने पहली रे ऑफ लाइट को डाल दिया था। समझ में आ रहा है। अब देखो इस वाले मीडियम में भी मैंने यहां से एक रे ऑफ लाइट को भेज दिया,
जब मैंने यहां से रे ऑफ लाइट को भेज दिया है इधर, तो ये रे ऑफ लाइट यहां से ऐसे बेंड हो गई, यहां से ये रे ऑफ लाइट ऐसे बेंड हो गई। रे ऑफ लाइट को जाना था यहां, मगर रे ऑफ लाइट इतना बेंड हो गई, ये इधर की तरफ आ गई। अब इस मीडियम में मैंने रे ऑफ लाइट को यहां से डाल दिया है, तो ये वाली रे ऑफ लाइट को जाना यहां था, तो ये रे ऑफ लाइट यहां की तरफ आ गई। अब तीसरा मीडियम में जो है, इस मीडियम में मैंने रे ऑफ लाइट को यहां से डाला, जाना था इसको यहां से, मगर रे ऑफ लाइट यहां से आ गई है। अगर रे ऑफ लाइट यहां से आ गई तो ये रे ऑफ लाइट इतना बेंड होगी। अब तीनों में मुझे बताओ, पहले मीडियम में, दूसरे मीडियम ने, इस वाले मीडियम ने रे ऑफ लाइट को सबसे ज्यादा बेंड कर दिया है, तो आंसर है इस वाले मीडियम ने रे ऑफ लाइट को ज्यादा मोड़ दिया है। अगर ये इसको ज्यादा मोड़ देगा, समझ में आ रहा है ना, तो इसका रिफ्रैक्ट इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका रिफ्रैक्ट इंडेक्स से कम है, तो इसका रिफ्रैक्ट इंडेक्स इससे कम है। वही चीज हम यहां पे बताते हैं कि जिसका रिफ्रैक्ट इंडेक्स ज्यादा है उसका क्रिटिकल एंगल, इसका क्रिटिकल एंगल क्या होगा, कम होगा। समझ में आ रहा है? तो दिस इज द रिलेशन फॉर द क्रिटिकल एंगल एंड द रिफ्रैक्ट इंडेक्स। समझ में आ रहा है ना? देखो फिर एक बार समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमने सिनेल्स लॉ को यूज किया है। सिनेल्स लॉ क्या कहता है? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। सेकंड मेरे टर्मिनोलॉजी के हिसाब से नहीं है, बल्कि रे ऑफ लाइट के हिसाब से सेकंड मीडियम कौन सा है जिसमें रे ऑफ लाइट जाएगी। आ रही है वो कहां से? वो यहां से आ रही है, तो रे ऑफ लाइट के लिए ये कौन सा मीडियम बन जाएगा? पहला मीडियम। तो रे ऑफ लाइट को जाना यहां है, तो ये रे ऑफ लाइट के लिए क्या बन जाएगा? सेकंड मीडियम। अब सेकंड को मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिया है? म्यू वन। अब जहां से वो आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मैंने लिया है? म्यू टू, दैट इज म्यू वन डिवाइडेड बाई म्यू टू। अब म्यू वन जो है वो हमने यूजुअली लेते हैं, हम एयर लेते हैं, तो ये कौन सा है? वाटर। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? वन। तो वन डिवाइडेड बाय बन जाएगा ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड, ये वाला मीडियम वाटर का। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? दैट इज म्यू टू। तो वही मैंने लिखा है, वन डिवाइडेड बाय म्यू टू। अब क्रिटिक, अब जो ये इंटरनल रिफ्लेक्शन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन, मगर या द मिनिमम एंगल जो है, मिनिमम एंगल जो मेरे पास है, वो मेरा पास जो मिनिमम एंगल है वो है ना कौन सा? क्रिटिकल एंगल है। क्रिटिकल एंगल कब होगा? जब साइन ऑफ रिफ्रैक्शन का एंगल कितना होगा? 90 होगा। तो साइन ऑफ 90, उस वक्त आई का वैल्यू किसके बराबर बन जाएगा? सी के बराबर। अब अगर ये बढ़ेगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी, तो साइन ऑफ सी डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 90। साइन 90 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। तो साइन ऑफ सी का वैल्यू आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई म्यू टू। अब म्यू टू कौन सा है? जहां से रे ऑफ लाइट आ रही है। अगर उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो साइन ऑफ सी का वैल्यू क्या होगा? कम होगा। सी कौन सा एंगल है? दैट इज टोटल इंटर, ये क्रिटिकल एंगल। तो वही चीज हम कह रहे हैं कि अगर क्रिटिकल एंगल कम होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का क्या होगा? ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द क्रिटिकल एंगल। तो एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है कि जब रे ऑफ लाइट उसी मीडियम से आएगी और वापस उसी मीडियम में जाएगी। समझ में आ रहा है? क्या बीच में हमने कोई पॉलिश्ड सरफेस लगाई है? नहीं लगाई। अगर नहीं लगाई है तो एनर्जी का लॉस नहीं होगा। जब एनर्जी का लॉस नहीं होगा तो इसीलिए हम इसको नाम देते हैं टोटल। एनर्जी के लिहाज से हम इसको नाम देते हैं क्या? टोटल। अब रिफ्लेक्शन एक्सटर्नल नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? इंटरनल हो रहा है, तो इसको हम नाम देते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये रिफ्लेक्शन जो है, क्या ये वही रिफ्लेक्शन है या हम रिफ्रैक्शन से रिफ्लेक्शन करा रहे हैं? तो हम रिफ्रैक्शन से क्या करा रहे हैं? रिफ्लेक्शन करा रहे हैं। समझ में आ रहा है? अब कुछ मीडियम हमारे पास हैं जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, तो आप उनको नोट भी कर सकते हैं। तो पहला आप लिख लीजिए आइस। आइस जो है, आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम यहां से लिखेंगे। आइस जो है, आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज 1.31, और इसका क्रिटिकल एंगल भी दिया गया है दैट इज 49.76। ये आपकी एनसीआर की बुक पे भी दिया गया है, तो आप इसको वहां से भी देख सकते हैं। एक्चुअल में मुझे यहां से एक और चीज समझाना है आपको। तो इसके बाद वाटर है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33। तो वाटर का जो क्रिटिकल एंगल है दैट इज 48.75, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 49। समझ में आ रहा है? इसके बाद क्राउन ग्लास, क्राउन ग्लास का, क्राउन ग्लास,
क्राउन गिलास के नाम से ही आपको पता चलता है, दूसरा होता है फिलिन गिलास और एक होता है क्राउन गिलास। तो क्राउन गिलास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज 1.52। इसका जो क्रिटिकल एंगल है, इसका क्रिटिकल एंगल आ रहा है 41 ऑलमोस्ट 41 डिग्री। इसके बाद है डायमंड, डायमंड डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज 2.42 और इसका जो क्रिटिकल एंगल है दैट इज 24.40। इसी तरह बहुत सारे मटेरियल्स भी और भी हमारे पास है, मीडियम और भी हमारे पास है जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, मगर मुझे एक पॉइंट आपको समझाना है इसीलिए मैंने इन्हीं मटेरियल्स का लिया है। आप इसको नोट कीजिए, तो हमने कुछ मटेरियल्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा है, आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने देखा तो उसका क्रिटिकल एंगल भी है, ये वाला जो एंगल है दिस इज क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और वाटर का भी हमने देखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 और क्रिटिकल एंगल उसका 49। क्राउन ग्लास का भी देखा और डायमंड का भी देखा। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने गिलास लिया है, क्राउन गिलास मैंने लिया है, क्राउन गिलास ये मान लो ये क्राउन गिलास है, क्योंकि डेंसर मीडियम जो मेरा है यानी जहां से रे ऑफ लाइट आ रही है उसी का क्रिटिकल एंगल ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे लेना है। तो अगर ये क्राउन गिलास है या ये गिलास है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 है और इसका जो क्रिटिकल एंगल है वो कितना है 41 है, वो कितना है 41 डिग्री। देखो इसका मतलब क्या है, ये मान लो ये मैंने नॉर्मल ड्रा कर दिया, अगर मैंने ये नॉर्मल ड्रा कर दिया है तो ये एंगल मैंने लिया है फॉर एग्जाम्पल, ये एंगल मैंने लिया है 30 डिग्री पे ये डेंसर है क्योंकि ग्लास है और ये ईयर है, तो रे ऑफ लाइट आ रही है कहां से, डेंसर से जा रही है कहां पे, रियर में, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये रे ऑफ लाइट यहां से जाने के बजाय ये रे ऑफ लाइट ऐसे बेंड होगी। एंगल को मैं बढ़ाते गया, मैंने एंगल लिया है फॉर एग्जाम्पल, मैंने एंगल बढ़ा दिया है तो ये मान लो ये एंगल मैंने लिया है 40, कितना लिया है 40, तो रे ऑफ लाइट जो है रे ऑफ लाइट यहां से ऐसी आ रही है बेंड होके। अब एंगल मैंने बढ़ा दिया है तो एंगल मैंने कर दिया है 41, फॉर एग्जाम्पल ये एंगल है 41, तो दिस एंगल इज 41 डिग्री। अब इस गिलास के लिए 41 कौन सा एंगल है, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल पे रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट नॉर्मल के साथ एंगल कितना बनाती है 90 डिग्री, तो रे ऑफ लाइट जो है रे ऑफ लाइट अब यहां से जाएगी, रे ऑफ लाइट यहां से जाएगी, तो ये एंगल कितना बन गया है 90। अब आप इमेजिन करो, सपोज मैंने हर एक एंगल पे एक एक डिग्री पे मैंने एक एक रे ऑफ लाइट को भेजा, जब मैंने एक एक डिग्री पे एक एक रे ऑफ लाइट को भेजा, बताओ एक डिग्री पे जो मैंने रे ऑफ लाइट को भेजा वो इधर चली गई रेयर मीडियम में, ये रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम, और ये कौन सा है, ये डेंसर मीडियम है, एक डिग्री पे तो रेयर मीडियम में, दो डिग्री पे रेयर मीडियम में, तीन डिग्री पे रेयर मीडियम, 30 पे रेयर मीडियम है, 40 पे रेयर मीडियम है, 41 पे रेयर मीडियम के बजाय वो कहां से जा रही है, इंटरफेस से जा रही है। इसका मतलब है 40 रेज ऑफ लाइट जो है ना, 40 रेज ऑफ लाइट वो यहां जा रही है, 40 रेज ऑफ लाइट यहां जा रही है, 41 रे ऑफ लाइट यहां से जा रही है। अब जो बाकी रेज ऑफ लाइट है, बता बाकी रेज ऑफ लाइट अब रियर मीडियम में जाएंगे या डेंसर मीडियम में जाएंगे, वो डेंसर में जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अब 42 का आ गया, मान लो ये 42 है, ये वाला पॉइंट आपको समझना है, ये वाला जो रे ऑफ लाइट है इसको मैंने 42 डिग्री से भेजा है, अगर मैंने इसको 42 डिग्री से भेजा है तो ये रे ऑफ लाइट अब रियरर के बजाय कहां पे जाएगी, डेंसर में जाएगी। अब क्या रे ऑफ लाइट ये वाली रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी या ये वाली रे ऑफ लाइट यहां से जाएगी, ये समझना है। जब मैंने 41 पे भेजा तो रे ऑफ लाइट कहां से चली गई, इंटरफेस से चली गई है, ये मान लो ये 41 वाली है, ये 41 वाली, क्योंकि अब इंटरनल रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो गया है, तो इस वाले एंगल पे इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अब मैंने 42 भेजा है, जब मैंने 42 पे भेजा तो रे ऑफ लाइट रियरर के बजाय कहां पे जाएगी, अब डेंसर में। अब अगर वो डेंसर में जाएगी क्या वो यहां से जाएगी या यहां से जाएगी, शाबाश,
तो रे ऑफ लाइट अब जब डेंसर में जाएगी, आ रही भी कहां से है? डेंसर से। जा रही भी कहां पे है? डेंसर में। अगर आ रही है भी डेंसर में, जा रही भी डेंसर में, बता कौन सा फिनोमेना है? रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन के सारे रूल इस पे अप्लाई हो जाएंगे। बता रिफ्लेक्शन का रूल क्या है? पहला पहला रूल को छोड़ दो, दूसरा रूल क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये वाला एंगल 42 है तो बता इस वाली रे ऑफ लाइट को भी एंगल कितना बनाना है? 42। तो ये होगा इसका एंगल 42 डिग्री। समझ में आ रहा है? ये नहीं है बल्कि कौन सी है? ये है। तो रे ऑफ लाइट अब यहां से, उसके बाद जब क्रिटिकल एंगल से मैं एंगल बढ़ाता हूं तो रे ऑफ लाइट यहां पे नहीं बल्कि रे ऑफ लाइट यहां आ जाती है। अब उसके बाद देखो क्या होगा। उसके बाद देखना, ये एंगल मैंने यहां बना दिया है 45, तो रे ऑफ लाइट अब 45 यहां पे भी बनाएगी। 42 ये, 43, 44, 45 वो यहां से जाएगी। 70 तो 70 यहां से जाएगी, ये 90 तो यहां से 90 जाएगी। समझ में आ रहा है ना? अब रेज ऑफ लाइट जो है ना, जब मैं एंगल, ये एंगल जब मैं बढ़ाता हूं तो यहां से भी एंगल बढ़ते हैं वो, मगर इस वाले साइड की तरफ बढ़ते हैं। तो एक पोर्शन ऐसा है ना जहां पे रेज ऑफ लाइट नहीं जा रही है। देखो यहां से रेज ऑफ लाइट आके ऐसे ऐसे आ गई है और इधर तक आ गई। एक पोर्शन ऐसा है ना कि जहां पे रेज ऑफ लाइट नहीं जा रही है, तो वो ये वाला पोर्शन है। बताए अगर यहां ये वाला पोर्शन ऐसा है जहां पे रेज ऑफ लाइट नहीं जा रही है, तो वो पोर्शन इल्यूमिनेटेड होगा या डार्क होगा? तो ये डार्क पोर्शन होगा। समझ में आ रहा है? तो मीन्स कि ये वाला जो पोर्शन है ये कैसा होगा? ये डार्क होगा। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास वो रीजन ज्यादा रहे या कम रहे जो डार्क होगा। हम चाहते हैं कि वो रीजन कम रहे। अगर वो कम रहे तो इसका मतलब है ना कि इस वाले साइड में रेज ऑफ लाइट क्या होंगे? ज्यादा होंगे। अब जब एनर्जी यहां पे 100 है तो यहां पे भी हमको कितनी मिलती है? 100 मिलती है। बता जब हम 100 हमको एनर्जी मिलती भी है, वापस मिलती है, बता जो हमारे पास इमेज बन जाएगी वो कैसी बन जाएगी? ब्राइट बन जाएगी। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? एक्चुअल में ये रिजल्ट हमको यहां से निकालने हैं। तो इस गिलास के लिए, यहां जो क्राउन गिलास है, क्राउन गिलास के लिए ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन कैसा हो गया है? डार्क हो गया है। अब हमने लिया है डायमंड। बता डायमंड के लिए क्रिटिकल एंगल कितना है? 24। इसका मतलब है 100 में से 24 रेज ऑफ लाइट, ये 24 जो है, ये 24 है, 24 24 वाली रेज ऑफ लाइट रियर मीडियम में जाएंगे। बता 24 के बाद 25 पर रेज ऑफ लाइट यहां आ जाएंगे, मीन्स वो यहां आ गए। अब इसका रीजन जो है वो क्या हो गया है? कम हो गया है। अब जब यहां पे ज्यादा रेज ऑफ लाइट है, बता ज्यादा रेज ऑफ लाइट से हमको ब्रिलियंस ज्यादा मिलेगी या कम मिलेगी? ज्यादा मिलेगी। यही रीजन है कि जो हमारे पास जो डायमंड होता है ना, डायमंड कैसा होता है? ब्रिलियंस उसमें ज्यादा होता है, स्पार्कलिंग होता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब हम एक काम करते हैं, हम चाहते हैं कि जो क्रिटिकल एंगल है वो कितना होना चाहिए? 24 में होना चाहिए। अब जब हम डायमंड को लेते हैं, ग्लास ही होता है, हम उसको कट करते हैं इस तरीके से कि सच दैट कि जब रेज ऑफ लाइट उस पर पड़ेंगे ना, वो रेज ऑफ लाइट उस एंगल पे पड़नी चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, दैट शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। इसीलिए हम डायमंड की शेप जो बनाते हैं ना, उसकी एक पर्टिकुलर शेप होती है, उसके जो साइड्स होती हैं उनके बीच में जो एंगल होता है दैट इज 120। तो जब हम उसको बनाते हैं वो ऐसा होता है कुछ ऐसे में, थोड़ा सा ऐसे में बनाऊं, देखो ये वाला जो एंगल है मोर देन 90 है, ये भी मोर देन 90, मोर देन 90, मोर देन 90, मोर देन 90, मोर देन 90। अब यहां से भी हम ऐसे करते हैं तो ये वाला एंगल जो है ये मोर देन 90 हो गया, यहां से भी मोर देन 90 हो गया। समझ में आ रहा है? इसी तरह हम यहां से भी ऐसे करते हैं, यहां से ये मोर देन 90 हो गया ऐसे। तो हम इसको ऐसे ही कटिंग करते हैं सच दैट ये एंगल शुड बी ग्रेटर देन ये जो रेज ऑफ लाइट जब इसमें आ जाएंगे तो जब वो बेंड हो जाएंगे तो उनका जो एंगल होना चाहिए दैट मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। बता डायमंड के लिए क्रिटिकल एंगल कितना है? 24 है। अब एक रे ऑफ लाइट फॉर एग्जांपल मान लो यहां से एक रे ऑफ लाइट ऐसी आ गई, ऐसी आ गई। जब ये रे ऑफ लाइट ऐसी आ गई है, ये मान लो ये ईयर है, ये ग्लास ही है, ईयर और ग्लास जो है दोनों ट्रांसपेरेंट है, तो रेज ऑफ लाइट ट्रांसमिट हो जाएंगे, मीन्स एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है, तो टोटल जाएंगे। जब वो यहां पे मैं देखता हूं तो ये एंगल जो है, ये एंगल रेज ऑफ लाइट के लिए, जब ये रिफ्रैक्ट हो जाएंगे, ये रियरर ये डेंसर, तो इट विल बेंड टूवर्ड्स। तो जब ये ऐसे जाती है, फॉर एग्जांपल ये मान लो ये ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो ये एंगल जो है ना, ये एंगल ग्रेटर देन है 24 डिग्री से। अगर ये ग्रेटर देन 24 से है तो बता क्या हो जाएगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
जब ये रे ऑफ लाइट यहां से आप इस पे पड़ गया तो नॉर्मल यहां पे ड्रा कर दो, अब यहां पे हमने नॉर्मल को ड्रा कर दिया है, तो ये वाला एंगल जो है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू ग्रेटर देन 24 डिग्री, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब रेज ऑफ लाइट इसमें जाती हैं तो बहुत सारे, जब रेज ऑफ लाइट यहां से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं तो वो बहुत ज्यादा टाइम गुजारते हैं कहां पे, इनसाइड द डायमंड। जब वो इनसाइड द डायमंड बहुत ज्यादा टाइम गुजारते हैं, समझ में आ रहा है, तो कहीं पे ऐसा होता है कि ये जो एंगल है इट बिकम लेसर देन द क्रिटिकल एंगल। जब ये लेस देन क्रिटिकल एंगल बन जाएगा तो रेज ऑफ लाइट अंदर अब रहेंगे या बाहर आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, मगर मैक्सिमम टाइम रेज ऑफ लाइट ने कहां गुजारा है, अंदर गुजारा है। जब उसने रेज ऑफ लाइट ने मैक्सिमम टाइम अंदर गुजारा है तो बता डायमंड में जो अंदर जो रेज ऑफ लाइट जब मैक्सिमम टाइम अंदर गुजारेंगे तो ब्रिलियंस क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब एक चीज और है, एक तो हमको वो दिखता है कि स्पार्कलिंग होता है, नंबर सेकंड उसमें होता है कि उसमें से कलर्स भी बाहर निकलते हैं, या उसमें हमको दिखता है कि वो जो स्पेक्ट्रम होता है वो भी हमको दिखता है। वो क्यों दिखता है, क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रिलेशन हमने देखी है किसके साथ, लैम्ब्डा के साथ। लैम्ब्डा क्या होता है, लैम्ब्डा होता है करेक्टरिस्टिक ऑफ द कलर, यानी हर एक कलर को हम पहचानते हैं बाय इट्स लैम्ब्डा, बाय इट्स वेवलेंथ। अब जो वेवलेंथ होती है ना वो अलग अलग होती है, यानी हर एक कलर के लिए जो म्यू होता है वो अलग अलग होता है, समझ में आ रहा है। इसीलिए जो डायमंड है ना, डायमंड के पास ब्रिलियंस क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि एक तो हम उसको एक कि जब रे ऑफ लाइट उसमें एंटर करेगी ना तो रिफ्लेक्शन के बाद कि उसका एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, अगर वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा तो रेज ऑफ लाइट बाहर आने के बजाय क्या हो जाएंगे, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट। अगर वो टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती हैं तो उनके पास एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, मीनस की जो डायमंड है ना वो हमको कैसा दिखेगा, स्पार्कलिंग दिखेगा, समझ में आ रहा है। और ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ना, इसके बहुत सारे ये जो एप्लीकेशन है, ऑप्टिक फाइबर इसकी एक एप्लीकेशन है जो वाइडली हम यूज करते हैं, यहाँ जिसपे आजकल ये बहुत ज्यादा काम चल रहा है फॉर द सिग्नल ट्रांसमिशन, इसको हम यूज करते हैं। या एक और फिनोमेना इसमें है दैट इज ऑप्टिकल इल्यूजन, जिसको हम बोलते हैं मिराज फॉर्मेशन, वो भी है। और नंबर थर्ड जो है कि जो लेंसेज, ये जो है क्या बोलते हैं इनको, प्रिज्म, प्रिज्म में भी कोई कुछ ऐसे प्रिज्म हमारे पास होते हैं कि जिनमें हम रेज ऑफ लाइट को टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट कराते हैं, जो हम बाइनोक्यूलर्स में यूज करते हैं, ताकि हमारी जो इमेज है ना वो कैसी बननी चाहिए, क्लियर बननी चाहिए। एक दो एप्लीकेशंस हम अगले लेक्चर में डिस्कस कर देंगे। तो आपको याद रखना है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जो कंडीशन है वो क्या है, इसकी कंडीशन है, फिर एक बार मैं रिवाइज करता हूँ। द मीडियम शुड बी ट्रांसपेरेंट, यानी कि वहां पे कोई पॉलिश्ड सरफेस नहीं होनी चाहिए, मीडियम ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, यानी जो रेज ऑफ लाइट को क्या करे, अलाउ करे। एंड नंबर सेकंड, जो मैक्सिमम टाइम्स हम देखते हैं कि द रे ऑफ लाइट शुड कम फ्रॉम द डेंसर मीडियम, तो रेज ऑफ लाइट कहाँ से आनी, यानी ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड इन द डेंसर मीडियम। एंड नंबर थर्ड कंडीशन जो है ना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब डेंसर मीडियम से रे ऑफ लाइट आ जाए, एक पर्टिकुलर एंगल पर रिफ्रैक्टेड रे एंगल कितना बनाती है, 90 बनाती है, उस एंगल को हमने नाम के दिया है क्रिटिकल एंगल। फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन द क्रिटिकल द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कभी आपसे क्वेश्चन वन मार्क क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, तो आपको याद रखना चाहिए कि क्रिटिकल एंगल वो एंगल है जिस पर रिफ्रैक्टेड रे कितना एंगल बनाती है, 90 बनाती है, समझ में आ रहा है। तो अगर इससे रिलेटेड आपको कहीं पर भी डाउट होगा तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, या आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।